मेरा नाम संजय कुमार है और मैं गांव मारा के रहने वाला हूं। संजीव जी है मास्टर जी मेहंदीपुर गांव से ही, उनके साथ मिलकर इस ऑर्गेनिक आउटलेट को हमने यहां पे तैयार किया है कान्हा वैदिक स्वीट्स एंड डेयरी के नाम से। आज से 5 साल पहले हमने चड्डा सेल से एक तो सबसे पहले BMC ली थी। मेहंदीपुर गाँव में हमने गिर गाय की डेयरी बनाई थी, उसमें हमने इसकी BMC का यूज़ कराया था। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक खेती करते रहे हम गांव में मेहंदीपुर में और देवड़ू में ही। फिर बाद में हमने एक आउटलेट बनाने की सोची कि भाई गिर गाय के दूध का की मिठाइयाँ और उसके घी को हम एक आउटलेट पे लेके आए, तो हमने एक आउटलेट बनाया यहाँ सोनीपत में कान्हा वैदिक स्वीट्स एंड डेयरी के नाम से, गोहाना रोड सोनीपत में। जब हमने आउटलेट स्टार्ट किया तो हमने इसकी जो खोआ निकालने वाली मशीनें हैं वो हमने वहाँ से परचेज करी चड्डा सेल से। दूध बिलौने वाली जो मशीनें हैं वो हमने चड्डा सेल से ही ली, और एक पैकिंग वाली मशीन है जो हमारी लस्सी को और दही को पैकिंग करती है वो हमारी हमने वहाँ से खरीदी है। खोआ निकालने वाली मशीन है वो डीजल से भी और गैस से भी, दोनों से चल जाती है। बाई चांस कभी कभार गैस नहीं होती है या सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम उसको डीजल से ऑपरेट कर लेते हैं। चड्डा सेल से मशीनें खरीदने का सबसे मेन कारण क्या था कि ये मेंटेनेंस फ्री सी मशीनें हैं। दूसरा चड्डा सेल्स का क्या है कि इनकी जो मेंटेनेंस कई बार ज़रूरत भी पड़ जाती है तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, पर मेंटेनेंस फ्री मशीनें हैं। और इतना भी नहीं है कि भाई हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हों ये बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है। हमने बल्कि 2-3 कस्टमर्स को वहाँ भेजा भी है, वो खुद भी वहाँ पे मतलब हमारे पास आए थे कि भाई आपने ये दूध बिलोने वाली और ये खोआ निकालने वाली मशीनें कहाँ से खरीदी हैं, तो हमने उनको एड्रेस वहीं का दिया था कि भाई आप चड्डा सेल्स के पास चले जाओ। उनके जो कस्टमर केयर सर्विस वाले जो आदमी हैं वहाँ पर उनका बिहेव अच्छा है, भाई हम चड्डा सेल्स के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमें मतलब ये गाइड किया कि भाई आप इसके साथ साथ ये मिठाइयों का काम और स्टार्ट कीजिए। तो हम जब हमने BMC खरीदा था तो हम अपना दूध वहाँ क्या नाम अपना गाजियाबाद और दिल्ली भेजते थे, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि भाई अगर आप मिलावट के खिलाफ इतना वहाँ चीज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट कर देते सोनीपत के अंदर। तो हमने इसको उनके मतलब उनसे बातचीत करी थी तो उन्होंने हमें मोटिवेट भी किया था, भाई हम उनका बड़े आभारी हैं कि भाई उन्होंने हमें एक नई दिशा दी थी कि भाई आप एक नया आउटलेट अपना बनाइए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें डेयरी मशीन के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका खुशी से जवाब देंगे।